खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और देहरादूनी चाय। जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं देहरादूनी चाय की बात क्यों कर रहा हूँ। तो चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसको पीने के बाद मन और मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। और जहाँ तक बात है देहरादूनी चाय की, तो इसका अपना ही कुछ अलग इम्पोर्टेंस है। ये आज मैं आप लोगों को देहरादूनी चाय के बगान का भ्रमण करा रहा हूँ। ये हमारे साथ आप लोग भी भ्रमण करिए। देहरादून का टी गार्डन प्रेम नगर के पास स्थित है, जो कि हजारों एकड़ में फैला हुआ है। चाय की प्लांट झाड़ी टाइप का होता है। जो चाय हम लोग पीते हैं वो इसके पत्तियों को प्रोसेसिंग करके तैयार किया जाता है। चाय में टेनिन नाम का एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो कि केमिकली पॉलीफिनॉल्स होता है। पॉलीफिनॉल्स इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। प्रीवियस रिसर्च से यह प्रूव हो चुका है कि इसके ग्रीन लीव्स में हजारों वोलेटाइल कंपाउंड्स पाया जाता है, जो कि इसके सुगंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावे हजारों पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, पिगमेंट्स एंड मिनरल्स इत्यादि पाया जाता है। आमतौर पर चाय को हम लोग पेय पदार्थ के रूप में जानते हैं, लेकिन पेय पदार्थ के अलावा चाय की पत्तियों से डिस्टिलेशन के द्वारा इसेंशियल ऑयल भी निकाला जाता है, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ स्किन के लिए भी उपयोगी होता है।